राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब फ्रेंड कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। मैं ना राधा गोविंद के लिए ड्रेस सिलाया है। मेरे पास मशीन तो नहीं है, सुई धागा से सिलाया है। माप नहीं लिया ना तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक्चुअली ये पैंट का हिसाब से डालने का था, साइड में अटैच करने का था, लेकिन पैंट के ऊपर एक स्कर्ट बनाया था, उस स्कर्ट ना थोड़ा लंबा हो गया। अगर पैंट के ऊपर वो स्कर्ट डालता था ना तो पैंट थोड़ा सा भी नहीं दिखता था। फिर सोचा है अभी मतलब आज नहीं डालती हूँ, पहले स्कर्ट बराबर कर लेती उसके बाद डालूँगी। फिर सोचा एक बार लगा के देखती हूँ। तो मैं जब लगाने के लिए गया तो सच पूछिएगा मेरे से होते ही गया ऐसा डालना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। शायद गोविंद का आज ये पोशाक डालने का बहुत ही ज़्यादा मन था। ऐसा तो नॉर्मली पोशाक बनाया है लेकिन डालने के बाद अलग ही लुक हो गया। हम लोग मार्केट से जो सब पोशाक खरीद के लेके आते हैं ना, तो हर एक पोशाक में अलग अलग ही मतलब दर्शन होता है। और सच पूछिएगा मैं ना हैरान हो गई, जो मतलब ऐसा सिंपल पोशाक में भी गोविंद अलग ही रूप मतलब पोशाक भी अलग ही टाइप का बन गया है। और ये कमर का जो ओढ़नी में बांधा है तो बांधने के लिए ही बनाया था, लेकिन पीतंबर के साथ ऐसा अटैच करना वो भी मतलब मेरा दिमाग में था ही नहीं। जब डालने के लिए गया तो ऐसा ऐसा करके डालते हैं, शायद बहुत ही सुंदर लगेगा। और सच पूछिएगा अलग ही एक पोशाक बन गया था। शायद गोविंद का यही इच्छा था, मेरे से हो गया है। तो मेरा तो पोशाक डाल के हो गया है। तो आप लोग भी देखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरा जो पोशाक बनाया है। ऐसा तो सिंपल ही पोशाक है लेकिन बनाने के बाद अलग ही एक रूप हो गया। ये देखिए मेरा नज़र ही नहीं हट रहा था सच पूछिएगा। और मेरे पास इतना तो गहने का कलेक्शन नहीं है, मतलब सिंपल सा ही है। और मेरा गोविंद भी छोटा ही है, ज़्यादा हाईटेक नहीं है। और ये मेरा गोविंद है, पूरा कंप्लीट सिंगर हो गया है। राधा रानी का पोशाक भी मैं माप के नहीं बनाया, फिर भी बाकी सब परफेक्ट हो गया। चुनरी थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा बोलेगा तो ज़्यादा ही लंबा हो गया। और चुनरी भी नहीं डाल सकते तो एक रेडीमेड चुनरी है वही डलवा दूँगी, और वो ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा शूट करेगा। तो चलिए राधा रानी का श्रृंगार करवा देते हैं। माधव तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और अभी राधा रानी का श्रृंगार कर देते हैं। राधा रानी का भी पोशाक कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताना ज़रूर। बनाना बहुत ही इजी है, आप एक रेडीमेड ड्रेस सामने रख के अपने आप आइडिया आ ही जाएगा। तो सबके पास अलग अलग विग्रह है तो वो हिसाब से थोड़ा बहुत छोटा होएगा तो बन जाएगा, मेरे हिसाब से बन ही जाएगा। अगर मन में वो इच्छा है मैं भगवान के लिए खुद का हाथ से पोशाक बनाऊं, बन ही जाएगा। राधा गोविंद का कपड़ा ना मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। 500 रुपया का कपड़ा ठीक ठाक है, और 500 रुपया का नीचे मतलब 250 वाला तो मिलता ही नहीं है, 350-400 में भी मिलता है। लेकिन वो ना मतलब एक बार डालने के बाद और डालने का मन ही नहीं होते। और 500 के ऊपर जैसा 800, 1000 ये सब कपड़ा बहुत ही अच्छा रहता है। और कैसा भी बोलिए, कितना भी अच्छा वाला कपड़ा बोलिए, 2-3 बार डालने के बाद ऐसा लगता है वो और मत डालूँ। तो वो हिसाब से कपड़ा लेके आके अगर थोड़ा सा मेहनत करके सिलाएगा ना तो मतलब वो पैसा में बहुत सारा सिल जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।